प्रभु केवल देखते हैं अपनापन, अपनापन। बड़ा सुंदर प्रसंग है, ये श्री रघुनाथ जी नाम के एक भक्त का है, जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, उनसे ये अलग है। बड़ा करुणा में प्रसंग है और उनकी उत्तम भक्ति का चमत्कार है, प्रकाश है। और ऐसे भक्त से अपना संबंध स्थापित करने वाले को भगवत प्राप्ति सहज में हो जाती है। इस प्रसंग में ये देखने को मिला कि स्वयं में तो उस कोटि की भक्ति नहीं, लेकिन भक्त को अपना मानने के कारण ये मेरा है, ये मेरे हैं, और पूर्ण अनन्य हो गए, तो उनको वही बात मिली जो रघुनाथ दास जी को मिले। ये महापात्र रघुनाथ की चर्चा है। कृष्णचंद्र इनके महान भगवत भक्त पिता हुए रघुनाथ जी के, उनका नाम था कृष्णचंद महापात्र। ये धनी मानी थे, खूब वैभव था, और ये सदैव संतों की सेवा करते रहते थे। प्रायः ये देखा गया कि जहां जिन घरों में संत महात्माओं का आवागमन या संतों की शरणागति है, उनके यहां भक्ति का प्रकाश निश्चित होता है, कोई न कोई महाभागवत प्रकट होता है। ये कृष्णचंद्र जी महाभाग्यवान हुए क्योंकि इनके ऐसा महान महिमा में रघुनाथ नाम का पुत्र जो भगवत अनुराग से युक्त हुआ। बड़ा सौभाग्य है जिनके घरों में भगवत भक्ति होती है या भगवत आराधना से युक्त कोई संतान होती है। ये सदैव संतों का खूब स्वागत करते, इनके घर में आनंद ध्वनि मची ही रहती। संत बड़े करुणामय जहां जाते हैं, खूब भगवत चर्चा करना इनका स्वभाव होता है, नाम कीर्तन तो इनका व्यसन होता है। तो जिस घर में जाते हैं नाम कीर्तन भगवत चर्चा कथा, तो बड़ा जय ध्वनि मची रहती, आनंद की गूंज मची रहती, और धन था ही तो खूब संत सेवा उत्साह से करते। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो संत सेवा में अनुराग रखते हैं। भगवान की कृपा से श्री कृष्णचंद्र महापात्रा के यहां रघुनाथ नामक एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। रघुनाथ का स्वभाव बच्चापन से ही बहुत गंभीर रहना, सुशील, नम्र और संतों के समीप बैठना, और संत जनों में एक भागवती की ऐसी प्रेरणा रहती कि वो किसी से भी, आप भजन करते भजन किया करो, आप नाम जप किया करो, आप पाठ किया करो, थोड़ा समय ध्यान किया, वो जरूर उनका स्वभाव है, उनके हृदय में ऐसी उदार वृत्ति बनी ही रहती है। वो सबको प्रेरित कर, एक ही माला कर लिया करो, 5 मिनट ही नाम की, किसी तरह ये जीव प्रभु से जुड़े, इसका मंगल हो जाए। अभी छोटे बालक ही हैं रघुनाथ जी, और संतों के मुख से सुन करके भगवान नाम जपना चाहिए, जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति आदि आदि, ये जब सुनते तो उनके हृदय में, निर्मल हृदय में एक संस्कार बैठ गया, मुझे नाम निरंतर जपना है और मुझे भगवान जी से मिलना है। जैसे कई एक दिन एकांतिक में छोटी बच्ची कह रही थी, हमें श्री जी से मिलना है, कैसे हैं श्री जी, कैसे मिलेंगे श्री जी। अगर ये बात आ रही है तो महामोद की बात है, निर्मल हृदय में ये बात आ रही, निश्चित हृदय में भक्ति का विकास होगा, निश्चित भगवत प्राप्ति की आगे चलकर ऐसी प्रबल लालसा होगी जो समस्त भोगों से विरक्त होकर ठाकुर जी प्रिया जी के प्रति तड़पन प्रारंभ हो जाएगी। श्री रघुनाथ जी के भी हृदय में बात उसी बच्चापन से ही बैठ गई कि भगवान नाम जपना ये जीवन का परम लाभ है। अब तो एकांत में वो प्रभु के नाम का स्मरण करना, घर में जो ठाकुर जी विराजमान थे बार बार दंडवत करना, छोटा से बालक है जब देखा कोई नहीं तो बार बार ठाकुर जी को दंड, देखो ये कृपा संतों की। छोटे बच्चा है बार बार ठाकुर जी को देखते हैं, साष्टांग दंडवत होते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करते हैं। धीरे धीरे इनकी अवस्था 17 वर्ष की हुई, माता पिता ने उनका विवाह किया। कलावतीपुर के गंगाधर करण नाम के धनी मानी पुरुष की एक अन्नपूर्णा नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। अन्नपूर्णा के 7 भाई थे और उनमें से सबसे छोटी कन्या थी, तो ये बहुत दुलारी थी और धनी मानी थे ही, तो रघुनाथ जी के साथ उनका ब्याह हुआ और खूब आदर सत्कार सम्मान प्रियता जैसे रिश्ते नातेदारों की होती है। रघुनाथ दास जी को बहुत चुभा हृदय में कि मेरे हृदय की तो विकलता थी कि प्रभु मिले और ये क्या हो रहा है।
प्रभु मुझे क्यों बांध दिए। हृदय में बड़ी विकलता। जब पहले समय की जबकि ये चर्चाएं बहुत कम अवस्था में ब्याह हो जाता, अगर 17 वर्ष की इनकी अवस्था थी तो 13-14 वर्ष की अन्नपूर्णा जी की अवस्था होगी, बहुत छोटी अवस्था में ब्याह हो जाते थे। सुलक्षणा सुंदर, सुशील और बहुत ही सुंदर, ऐसा उसका सरल स्वभाव अन्नपूर्णा का, लेकिन इनके हृदय में चुभन, नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए, ये सांसारिक प्रियता नहीं चाहिए, मुझे आपके सिवा किसी से अपनापन नहीं करना। 17 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में तो यौवन अवस्था का ऐसा आंधी भरा स्वभाव जागृत होता है जिसमें सब भूल जाता है, शास्त्र क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या। लेकिन देखो संत कृपा का प्रभाव, ऐसी भक्ति दृढ़ है कि इनको खुशी नहीं हुई, माता पिता ने अपनी प्रसन्नता के लिए इनका ब्याह किया। अब तो ये उदासीन रहते, लेकिन वो अन्नपूर्णा ऐसे मंगल स्वभाव की, कभी इनसे कोई प्रश्न नहीं किया, हृदय से निश्चय किया मेरे जीवन धन मेरे प्राणनाथ चाहे जिस स्थिति में रहे कभी इनको प्रतिकूलता नहीं दूंगी और सदैव इनके अधीन रहूंगी, उसका निश्चय। इनके पिता जब देखे हमारे बेटे का ब्याह हो गया तो एक प्रसन्नता आई और इन्होंने विचार किया, जिस जिसको हमने ब्याज में पैसा दिया था अब किसी का ब्याज नहीं लेंगे, एक उत्साह वृत्ति, सबका ब्याज माफ कर दिया। और जब किसी को कोई आवश्यकता होती उनके पास आते बस दे देते, जब आपको अनुकूल पड़े तो वापस कर देना, ना पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके हृदय में बड़ा आनंद, भगवान ने बहुत कृपा की, सुंदर बहू सुंदर बेटा और संपत्ति थी ही। धीरे 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 संतों की भी समाज का आना, लोगों की गरीब लोगों की याचना से धन देना, भगवान बड़े लीला बिहारी हैं, धीरे धीरे धन जाता रहा। अब उनके हृदय में कमाने की तो कोई चेष्टा ही नहीं थी, शरीर भी वृद्ध था रघुनाथ जी के जो पिताजी थे, और जो धन था वो धीरे धीरे जाने लगा, ये भगवान की कृपा होती है। अब उनके हृदय में चिंता आने लगी कि मेरा बेटा मेरा बहू जो हमारी संपत्ति वो धीरे धीरे तो छीन हो रही, इनका कैसे काम चलेगा, और अब मैं कुछ कर सकता नहीं, और ये तो बावरा एकांत में ही बैठा रहता है, कोई कार्य तो करता नहीं, रघुनाथ जी कोई कार्य नहीं, बस एकांत में बैठे प्रभु का ध्यान करना उन्हीं का नाम जप करना। धीरे धीरे उनका शरीर बीमार हुआ और ऐसा लगा कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। रघुनाथ को समीप बुलाया, मरणासन शैया पे है, और बुला करके कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि कभी मेरे नाम का कोई कर्जा न रह जाए, ये जो हमने बहुत धन दिया लोगों को संत सेवा अतिथि सत्कार आदि में, तो कभी कहीं हमने किसी से धन भी लिए हैं, तो अगर कोई हमारे मरने के बाद तुमसे कहे कि ये हमसे कर्जा लिए थे तो उसको वापस दे देना, इतना तुम करना, क्योंकि मैं भगवान के समीप जा करके सदैव उनकी सेवा में रहूं, और यहां कोई कोसे कह रहे हो तो हमारा कर्जा लेके मर गया तो मैं ऐसा नहीं चाहता। और वो मरणासन स्थिति में मूर्छा स्थिति में ऐसा रघुनाथ जी को आदेश किया। अब भगवान की लीला ही थी और वो पधार गए। उनकी जो माँ थी रघुनाथ दास जी की, वो बड़ी पति भक्ता थी। पहले ऐसा था कि पति का वरण करने के बाद पति को ही श्री भगवान के समान मान करके अनन्यता पूर्वक उपासना करती, तो समस्त दिव्य शक्तियां जैसे यति में जागृत होती वैसे सतियों में जागृत हो जाती थी। कुछ ही समय में उन्होंने अपने पति के वियोग होने के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया, अर्थात उनकी भी शरीर पूरा हुआ, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब जब लोगों को ये पता चला कि वो मरते समय कह गए थे कि जिनका कर्जा हो दे देना, तो जिनके कर्जे नहीं थे वो भी आ जाते हैं, बोले हमारा कर्जा था वो दे, यहां तक कि छली कपटी लोगों ने उनका घर भी ले लिया। तो अन्नपूर्णा जो उनकी पत्नी थी उनके तो पिता धनी मानी थे, अपनी पुत्री को ले गए, आज तक कभी रघुनाथ जी मिले नहीं उससे, घर में ही रहते हुए कभी पति पत्नी के भाव से नहीं, वो बस देख लेती थी मेरे ऊपर, वो हर समय उदास भाव से प्रभु का चिंतन करते।
भगवान लीला बिहारी ऐसे हैं कि छली कपटी लोगों ने कि मेरा भी कर्जा था, घर भी छीन लिया उनका, बहू तो चली गई अपने मायके, वो सात भाई थे तो लिवा गए, यद्यपि वो जाना नहीं चाहती थी फिर भी लिवा गए। अब रघुनाथ दास जी अकेले हो गए, रघुनाथ जी अब तो जहां कोई उन्हें भोजन दे देता अब उनको कोई चिंता नहीं, बस निरंतर नाम जप करना और भगवत चिंतन में मगन रहना। और ये सिद्धांत हृदय में उतर गया, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे, जैसे प्रभु मुझे रखे, कोई शिकवा शिकायत नहीं। ये देखो कृपा, ये कृपा है कृपा। भगवान कहते जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके सारे राग नष्ट कर देता हूं, खत्म। माता पिता अंतर ध्यान हो गए, संपत्ति जो थी वो कुछ बट गई, कुछ छिन गई, आप और पत्नी को ले गए परिवार के जन उसके मायके वाले, आप अकेले। अब जब कोई भोजन दे देता पा लेते, नहीं तो खूब नाम जप करते, भगवान नाम चिंतन में डूबे रहते। अब जो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं उनके हृदय को प्रभु कैसे आकर्षण। अब इनके मन में आया कि यहां गलियों में भटकने से क्या है, प्रभु के किसी धाम का हम आश्रय लें। विचार किया नजदीक कौन धाम पड़ता है, तो कलावती से नजदीक पड़ते थे जगन्नाथपुरी। विचार किया मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, वही ठाकुर जी की जूठन पाऊं और अपना जीवन व्यतीत करूं। ऐसी भावना से वो भगवान नाम जप करते हुए भाव में भर करके पुरी के लिए चले, नीलाचलपुरी श्री जगन्नाथ धाम। और वहां जाकर के मंदिर में साष्टांग दंडवत किया और बस दरवाजे की में जो भिक्षुक जन खड़े रहते थे वहां जो उनको मिल जाता उसी से उदर पोषण करते। ऐसा ही कुछ चरित्र श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आया है कि वो भी वहीं सिंहपौर पर खड़े हो जाते, जो मिल जाता उसी से उदर पोषण, कुछ दिन बाद उसका भी त्याग कर दिया। अब प्रभु से खड़े खड़े दरवाजे पे प्रार्थना करते, प्रभु मैं अनाथ हूं, न मेरे माता है न पिता है और न मेरे कोई भाई है, न कोई मेरा मित्र है जीवन में, और न मैंने आज तक किसी को अपना माना है। प्रभु आप मेरे हो, स्वीकार कर लो। हे प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूं, ये स्वीकार कर लो। बहुत अंदर से विकल हुए सिंहपौर में, वही जब मंदिर बंद हुआ तो सो गए, तो ठाकुर जी ने स्वप्न में उनसे आकर के कहा कि मैंने स्वीकार किया तू मेरा है। अब तो बहुत आनंद, जब जागे तो बहुत, क्योंकि हमारी प्रार्थना स्वीकृत हो गई। ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि तुम जिस भाव से मुझे स्वीकार करो मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, अब तुम आज से अपने को अनाथ मत मानना, मैं तुम्हारा हूं और तुम हमारे हो। अब तो उनको बड़ा आनंद आने लगा, बड़े भाव से जगन्नाथ जी के दर्शन करते रहते और वहीं सिंहपौर में जो कुछ भिक्षुकों के साथ उनको मिल जाता उसी से उदर पोषण करते, फटा पुराना वस्त्र अपने शरीर में डाले। अब तो किसी की कोई चिंता नहीं, कोई अब अंदर से कोई आकांक्षा नहीं, कोई संबंधी नहीं, दृढ़ भावना ऐसी भाव में भर करके विश्वास पूर्वक कातर भाव से प्रभु को पुकारते रहते, प्रभु का नाम कीर्तन करते रहते। प्रभु के कृपा प्रसाद से उनके हृदय में एकमात्र भगवत भक्ति रह गई, केवल भक्ति का ही पूर्ण राज्य हृदय में। अब जब ये कुछ जगन्नाथपुरी से यात्री जन गए तो जो अन्नपूर्णा के पिता थे, माता थे और सात भाई थे, वो धनी मानी थे और बहुत ही कठोर बुद्धि के थे। उन लोगों को जब ये कुछ लोगों ने बताया कि जगन्नाथपुरी में हमने देखा कि तुम्हारे जो जामाता है ना दमान, फटे पुराने कपड़े पहने हुए भीख मांगते हैं, वहीं दरवाजे में देखा जगन्नाथ जी के, तो आपस में अन्नपूर्णा के माता पिता ने विचार किया कि हम अपनी पुत्री को क्यों जीवन भर ऐसे बैठा ले रहे, वो तो भिखारी है, उसका सब कुछ नष्ट भी हो गया है और हम तो धनी मानी है, हम दूसरा विवाह अपनी पुत्री का करते हैं। बिना उस अन्नपूर्णा से सलाह लिए उन्होंने उनका ब्याह तय किया वहां के राजमंत्री के पुत्र से, और वो जानता था किसका ब्याह हो गया, पर बहुत सुंदर सुशील स्वभाव की थी और वो बहुत ही गंदे स्वभाव का था, जो
राजमंत्री का बेटा था, वो राजी हो गया ब्याह करने के लिए। अब पिता की ये बात जब अन्नपूर्णा के कान में पहुंची धीरे धीरे कि हमारा दूसरा विवाह हो रहा है राजमंत्री के लड़के से, अब तो वो बहुत कांप गई। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है हमारे पति हमसे कभी बोले नहीं, ठीक है हमारे पति के पास धन नहीं रह गया, ठीक है हमारे पति भिक्षावृत्ति से जगन्नाथ जी के दरवाजे पर बैठे रहते, लेकिन है ना मेरे प्रीतम, है ना, जब है तो मैं दूसरे को कैसे स्वप्न में भी स्वीकार कर सकती हूं। ये निष्ठा। अब तो हृदय व्याकुल होने लगा कि ये कैसे धूर्त हमारे माता पिता हैं। माता पिता तो व्यभिचार प्रवृत्ति से बचाते हैं बच्चों को और ये हमें व्यभिचारी बनाना चाहते हैं। हमारे पति हैं, जब है तो दूसरा पति कैसे स्वीकार किया जा सकता है। अब वो हृदय में बहुत ही दुखी, अंदर से अस्वीकार करे पर सात भाई माता पिता कैसे वो बोल, पहले बहुत ही गंभीर सौम्य स्वभाव के बच्चे होते थे, उत्तर देने में बहुत ही संकोच, और फिर स्त्री शरीर। गंगाधर और मंत्री पुत्र दोनों ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब विवाह पक्का, फाल्गुन शुक्ला पंचमी तिथि तय हो गई। अन्नपूर्णा ने जब ये सब बातें सुनी तो विचार किया और जगन्नाथ जी का स्मरण किया, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है मेरे पति आपकी शरण में और मुझे दूसरे के साथ जाना पड़े। मैंने निश्चय किया है कि जिनसे मेरा ब्याह हुआ वही मेरे प्रीतम है, प्रभु आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अब मन में उपाय सोचती, भगवान जगन्नाथ जी का स्मरण करती कि प्रभु आप तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, हे प्राणनाथ क्या मेरे पति के जीवित रहने पर मैं दूसरा विवाह कर लूं, ये क्या उचित होगा, ये क्या धर्मयुक्त होगा, और प्रभु मेरे हृदय में किंचन मात्र ऐसी आकांक्षा नहीं, इसलिए मुझे बचा लो, मैं इन लोगों से वैर विरोध नहीं कर सकती। नाथ जो जो भी विपत्ति में पड़ा आपने उबारा, मेरे अंदर तो भक्ति भी नहीं है भजन भी नहीं है, पर तुम्हारी महिमा सुनी, प्रभु आप कृपा करो किसी भी तरह मुझे बचा लो इस भारी विपत्ति से, मैं कभी भी व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त नहीं होना चाहती, पति के होते हुए हमें दूसरे की तरफ आंख उठा के देखो ऐसा स्वप्न में नहीं हो सकता। देखो कैसी निष्ठा, हे विपत्ति से उद्धार करने वाले, संसार समुद्र से पार करने वाले, हे करुणामय कृष्ण, हे जगन्नाथ मुझ पर कृपा करो। अंदर ही अंदर वो प्रभु से प्रार्थना करने लगी, रात दिन बैठे बैठे घुटती, अब उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, बोलना चलना अच्छा नहीं लगता, रातों जग करके जगन्नाथ जी को पुकारती रहती, कोई ऐसा उपाय कर दो जिससे मेरा ब्याह रुक जाए। एक दासी थी जो अन्नपूर्णा को मां की तरह दुलार किया था, धाय मां उसे कहते हैं, प्रकट करने वाली मां और उसकी सेवा करने वाली धाय मां, बड़े घरों में सेविका रूप से आजीवन दासी भाव से जो रहती थी, वो धाय मां के समीप गई और उसकी गोद में बैठकर कहा कि मां मुझे बचा लो, मैं अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होना चाहती, और ये दुष्टता का रूप लिए हुए मेरे माता पिता मंत्री के पुत्र के साथ ब्याह निश्चय कर चुके हैं फाल्गुन शुक्ला पंचमी को, कोई उपाय बताओ, नहीं तो आपसे सच्ची कहती हूं मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन किसी दूसरे को छूने भी नहीं दूंगी। धाय मां ने कहा बेटी तू चिंता मत कर, मैंने तुझे पाला पोषा है, कोई न कोई नीलाचल नाथ जगन्नाथ जी महाराज कोई न कोई उपाय जरूर करेंगे, आप तो निश्चिंत रहे। दासी एक दिन विचार करते हुए निकली और मोहल्ले में पता लगाया, बहुत बड़ा नगर था कलावती, मोहल्ले में पता लगा कोई जगन्नाथपुरी जा रहा है क्या, तो उसको पता लगा कि कुछ लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। वो आई अन्नपूर्णा से कहा कि बात बन गई, जगन्नाथ जी के दर्शन करने अपने ही मोहल्ले के कुछ भगत लोग जा रहे हैं, आप एक पत्र लिखो और वो पत्र रघुनाथ जी को ढूंढ कर दे देंगे, और वो आ जाएंगे तो ब्याह रुक जाएगा, वो रोक सकते हैं, वो तुम्हारे पति हैं, वो आ जाएंगे तो अपने आप समाज है, समाज सब साथ हो जाएगी और तुम्हारा ब्याह रुक जाएगा। उसने एक पत्र लिखा, हे प्राणनाथ हे जगन्नाथ मैं आपको प्रणाम करती हूं, मेरे प्रीतम आपकी ही शरण में है, मैं उनकी दासी हूं,
आगामी फाल्गुन शुक्ला पंचमी के दिन राज्य मंत्री के पुत्र के साथ मेरा विवाह होना निश्चित किया गया है। यदि आपने कृपा ना की और आकर के विवाह ना रोका तो मैं निश्चित कहती हूं उसी शाम को आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन अपने पातिव्र धर्म से मैं विचलित नहीं होने वाली। समय तक आपकी बाट देखूंगी, यदि आप आए नहीं तो मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, प्राण त्याग दूंगी। ये धर्मवान जो निष्ठावान जन है वो इंद्रिय जन सुखों के लिए अपने धर्म का त्याग नहीं करते। अन्नपूर्णा ने दासी के हाथ में, धाय मां के हाथ में पत्र दिया। धाय मां पत्र लेकर के उनके पास गई जो पूरी दर्शन करने जा रहे थे, हाथ जोड़ करके कहा कि ये पत्र उनको देना है। सुना है कि वो सिंहपौर में दरवाजे पर रहते हैं भिक्षुक वेश में, उनका रघुनाथ नाम है, ये पत्र उनको आप दे देना, बहुत कृपा होगी, किसी का जीवन बच जाएगा यदि आप पत्र वहां तक पहुंचा देंगे और बहुत तुम्हारा उपकार मानेंगी और जगन्नाथ जी तुम पर बहुत कृपा करेंगे, क्योंकि एक दैन्य भाव से जो भगवत चरण आश्रित यहां है उसकी रक्षा हो जाएगी। वो भक्त हृदय उन लोगों ने कहा आप चिंता मत करो, जगन्नाथ जी के दर्शन करके अब हमारा दूसरा कार्य यही रहेगा रघुनाथ जी को खोजना, कहीं भी जगन्नाथपुरी में है तो जब तक वो मिलेंगे नहीं, उनको पत्र नहीं दूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा, आप चिंता मत करो। बड़ी सहानुभूति प्रकट की उन लोगों ने, भरोसा दिया और वो पुरी के लिए रवाना हुए। माघ महीना के शेष होते होते वो पुरी पहुंच गए। कई दिनों तक दर्शन करके वो खोज करते रहे, क्योंकि कुछ समय के लिए रघुनाथ दास जी वहां आते और जो कुछ मिलता लेते और एकांत में समुद्र किनारे बैठ करके भगवान नाम जप करते। तो एक दिन अकस्मात मंदिर के सिंह पौर पर उन्होंने देखा फटे पुराने वस्त्र, मलिन वेश और ओठ हिल रहे हैं, भगवान नाम चल रहा है। पूछा तुम्हारा रघुनाथ नाम है? उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी पत्नी ने पत्र दिया है। विचार किए कि जगन्नाथ जी के सिवा मेरा तो कोई है नहीं, पर अगर वो जगन्नाथ धाम में पत्र भेजा है तो जगन्नाथ जी के लिए ही है, इस भावना से ले लिया और पहले प्रभु को अर्पित किया। ऐसे देखो प्रभु ये पत्र आया है, जैसे निमंत्रण से नरसिंह जी को आया तो पहले निमंत्रण ठाकुर जी के चरणों आपके लिए आया, हम तो दास है हमारा क्या। ठाकुर जी ने निमंत्रण में जो जो लिखा था वैसे ही पूरा भात भरा, वैसे ही। उपासक को हर प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए। अपने पास कोई संबंधी नहीं है, हमारे संबंधी श्री प्रियालाल हैं, कोई भी निमंत्रण कोई भी व्यवहार पहले ठाकुर जी के सिंहासन में, कोई पत्र आया है पहले ठाकुर जी, फिर सेवक रूप से आप उसको देख सकते हैं। पहले अपने आराध्य देव वो जाने, उनका निमंत्रण, उनके संबंध से हमारा जाना आना हो सकता है, मिलना हो सकता है, हमारा सीधा संबंध प्रभु से। श्री रघुनाथ जी ने पत्र से जगन्नाथ जी को दिखाया, देखो पत्र आया है। फिर उन्होंने पढ़ा, पढ़ते ही चित्त व्याकुल हो गया, क्योंकि मेरी पत्नी इसलिए व्याकुल नहीं हुआ। एक जीव जो इस शरीर से संबंध मानता है और यह शरीर प्रभु का शरणागत है और वो आत्महत्या कर लेगा, इस बात से वो व्याकुल हो गए। और अब फाल्गुन शुक्ला पंचमी के केवल 10 दिन शेष रह गए हैं और पुरी से अगर पैदल चला जाए तो 1 महीना का रास्ता है, पहुंच नहीं सकता। अगर हम भागे भी तो नहीं पहुंच सकते और वो शाम तक आत्महत्या कर लेगी अगर उस तिथि को ना पहुंचे, क्या करूं। थोड़ी देर विचार करने लगे, फिर एकदम प्रसन्न हुए, जो जगन्नाथ जी चाहेंगे वही होगा, पत्र हमने उनको दिखा दिया। मनोरथ कल्पद्रुम तो जगन्नाथ जी हैं, कृपा सागर हैं, विपत्ति नाशक हैं, उनको जैसा उचित होगा वो करेंगे, एकदम निश्चिंत हो गए। थोड़ी देर के लिए चिंता बड़े बड़ों के हृदय में आ जाती है, ऐसा जब बार बार समझाने पर भी भगवती सती जी नहीं मान रही तो थोड़ी देर चिंतित हुए महादेव जी, ये क्या, मैं समझा रहा हूं फिर भी बार बार संशय कर रहे कि अगर परब्रह्म है तो सीता की खोज कहती और अगर राजकुमार हैं तो भगवान शिव सच्चिदानंद कहके कैसे प्रणाम कर रहे हैं, बार बार समझाने पर भी ये संशय हुई है। सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा, अस कही जपन लगे हरि नामा।
बस थोड़ी देर के लिए बड़े बड़े भक्तों के हृदय में एकदम चिंता आती, फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं। प्रभु के आश्रित है ना, निश्चिंत हो गए रघुनाथ जी, जगन्नाथ जी जाने और भगवत स्मरण करने लगे। सर्वांतर्यामी सर्व समर्थ कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, प्रभु से कोई बात छिपी नहीं और कोई बात ऐसी नहीं जो पूर्ण न कर सके। सिंह द्वार पर चिथड़े में लिपटे हुए भगवान नाम स्मरण करते हुए वो सो गए रात्रि में। शरणागत वत्सल भगवान जगन्नाथ जी ने लीला रची। कलावती पुरी जो गंगाधर करण जी जहां रहते थे उसी दरवाजे पर आंख खुली श्री रघुनाथ जी की। जब जगे सुबह तो अब सिंहपौर में सोए थे और सीधे वहीं, उनके लिए कुछ दुर्लभ है। रामानुजाचार्य जी को गरुड़ जी को आदेश किया इनको छोड़े आओ कांचीपुरी में, पूरे पार्षदों सहित छोड़े आए प्रभु के लिए। कर तुम अन्यथा कर तुम। रघुनाथ जी की आंख खुली तो देखा यहां तो सिंहपौर नहीं, ये तो जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं, प्रभु सर्वाश्चर्य में है। आंख खुलते ही देखा कि ये किस ग्राम में आ गए, कौन से अब्याह जब हुआ था तब गए थे, कभी दोबारा ससुराल गए नहीं, दूल्हा बन के गए थे तो ऐसा कुछ खास याद नहीं था। तो लोगों से पूछा कि ये जगन्नाथपुरी तो है नहीं, और स्वप्न में हूं नहीं जागृत हूं, ऐसे छू के देखा जाग रहा हूं, ये है कौन सा नगर और ये किसका महल है, आप बताने की चेष्टा करें। तो लोग कहते तुम पागल, पहले लोगों से पूछते मैं जाग रहा हूं ना, तो लोग समझते कहते भाई तुम जाग रहे हो, बोले जगन्नाथपुरी है कि नहीं, बोले ये जगन्नाथपुरी ये कौन सा शहर है, क्योंकि एकदम रातों रात सब हुआ। बोले कलावती नगर है और जहां तुम बैठे हो सामने महल महान धन संपन्न जो गंगाधर है उनका है। गंगाधर तो मेरे ससुर का नाम था। अच्छा तो ये जगन्नाथ जी की लीला हुई, पत्र का उत्तर सीधे हमें, ऐसा देखो कैसी लीला रची, सीधे रात्रि में ही जगन्नाथ जी ससुराल पहुंचा दिए उनको। अब जब घर वाले निकले तो देखा फटे पुराने कपड़े में रघुनाथ भाग के गया। लड़का जो सात भाई थे बोले सब गड़बड़ हो गया क्या, बोले वो आ गया अन्नपूर्णा का जो पति था वो तो सामने दरवाजे में बैठा हुआ है, भागे माता पिता और बाहर जाके बोले अरे बेटा बाहर क्यों बैठे हो, ये लोग सब बड़े कपटी स्वभाव के थे और तत्काल हाथ पकड़कर घर के अंदर आए कि कोई जान न पावे कि इनका दामाद है, क्योंकि ब्याह तय हो गया है फिर लोग हंसी उड़ाएंगे। अंदर ले गए, अन्नपूर्णा ने जी ही देखा पति आए तो मानसिक प्रणाम किया, एकांत में बैठी हुई थी बहुत जगन्नाथ जी के प्रति बार बार, अहो प्रभु बड़े कृपालु बड़े कृपालु। नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा बहने लगी, ध्यान में मगन हो गई प्रभु की, प्रभु आज मैंने देख लिया आप हमारी आर्त पुकार सुन लिए, प्रभु तुम्हारे बिना ऐसा कौन खेल कर सकता है, अभी 10 दिन बकाया है और पहले ही हमारे पति को भेज दिया, वो बहुत आनंद में मगन है। रघुनाथ तन मन की शुद्ध भूले हुए जगन्नाथ जी से बात कर रहे अंदर ही अंदर, प्रभु कैसे कृपाल हो कैसे लीलाधारी हो, और पत्नी भी उनकी भाव में डूब रही और ये सब पूरा परिवार जल रहा है, अब क्या किया जाए, ये तो आ गया अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर ये यहां जीवित है तो ब्याह कैसे हो सकता, समाज भी तो है और आपस में बैठ करके सलाह करने लगे। तो सास ने कहा तुम चिंता मत करो, विधान सब बनाएंगे, पहले कुछ खवा पिया किसे राजी करें, भोजन पवाया कपड़े अच्छे दिए और कहा कि आप बहुत दिनों बाद पधारे हैं बड़ी कृपा है, आप कमरे में विश्राम करें। अन्नपूर्णा मन में डर गई कि ये कपटी लोग जो हमारे ना चाहने पर भी ब्याह तय कर रहे थे, हमारे पति से इतना प्रेम दिखा रहे हैं, इसमें कोई कपट है। अंदर ही अंदर वो समझ गई कि ये जैसे कटोरा तो सोने का है लेकिन भरा उसमें विष है, प्रियता तो दिखा रही है जामाता जैसी ही कि भाई हमारा दामाद आया है लेकिन अंदर इनकी जरूर छल कपट है।
हृदय में वो विचार करें कि प्रभु हमें डर लग रहा है कि कोई ना कोई ये विषम लीला न कर दे। अब जब वो सैया पर लेटे हुए हैं कमरे में रघुनाथ जी, धीरे धीरे पतिव्रता अन्नपूर्णा जी गई और उनके चरणों को स्पर्श किया, धीरे धीरे चरण दबाने लगी और उनके मन में बहुत बातें आ रही कि मैं अपने पति से बोलूं, लेकिन एक भी शब्द ना बोल पाई। रघुनाथ जी देखा कि पत्नी चरण दबा रही, शांत गंभीर, उनके भी मन में आया कि मैं इसको ढांढस बनाऊं, लेकिन ना वो कुछ बोल पाए ना वो कुछ बोल पाए। अन्नपूर्णा के माता आई और बोली, चलो चलो देखो थके हुए आए, उनको सोने दो, तुम हटो। और बिचारी बहुत लज्जा संकोच से उसको हाथ पकड़ करके अन्नपूर्णा का ले गई एकांत कमरे में, तू यहां बैठ, दामाद को सोने दे। और समझ गई कोई ना कोई इनकी ऐसी मंत्रणा होगी जिससे हमारे पति की हानि हो। एक कोठरी के कोने में गंगाधर, उसकी पत्नी और सातों पुत्र मिलकर विचार किया, क्या किया जाए, इसको रात में मार दिया जाए। तो उन्होंने कहा, अगर ऐसे मारोगे तो अन्नपूर्णा हल्ला मचा देगी, कोई ऐसा उपाय करो जिससे अन्नपूर्णा भी न जान पाए, ये मर जाए और सुबह हम लोग ये कह देंगे कि काले सर्प ने काट खाया और ये मर गए, और फिर कोई बात नहीं होगी, फिर तो ब्याह हो ही जाएगा, वो तो तय ही है फाल्गुन शुक्ला पंचमी को। अब वो सलाह खड्यंत्रकारी ये माता पिता और भाइयों ने किया और बहुत ही तीक्ष्ण विष मंगाया गया और संध्या काल के जो भोजन की तैयारी थी, सुंदर सुंदर पुआ, खीर, पूड़ी और मिठाई, सब में विष मिला दिया। देखो कैसी पाप मूर्ति परिवार के जन है, सब में विष मिला दिया कि इस भिखारी को मार दो और उस राजमंत्री के पुत्र के साथ जो ब्याह तय है, हमारी पुत्री का ब्याह हो जाएगा। वो समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो रसोई में गई, बोली, मां मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए, मेरे पति देव आए। अरे नहीं, तू तो रे मेरे दामाद हैं, आज तो मुझे, कल भले तू पवा देना, आज शाम की रसोई में तेरा प्रवेश नहीं, तू तो बैठ जाके दूर। और ना तो पति से मिलने दे रही है ना रसोई में आने दे, अब उसको पक्का विश्वास हो गया। उसने धाय मां से कहा कि तुम कृपा करो, हमें किसी तरह संकेत मिलना चाहिए कि इन लोगों का क्या खड्यंत्र हो रहा है, कोई ना कोई तो है, मेरा हृदय कह रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मेरे पति का अहित करना चाहते हैं। अब धाय मां तो दासी थी, उसके लिए तो कोई रोक था नहीं। वो धीरे से वहां की सब रसोई के रहस्य को जान करके आई और कहा, बेटी तो बहुत बड़ी निंदनीय बात है कि तुम्हारे माता पिता और भाई मिलकर बहुत तीक्ष्ण जहर इस स्वादिष्ट भोजन में मिलाया गया है और ये सब तुम्हारे पति को मारना चाहते हैं। अब तो घबरा गई, हिम्मत की कि जो कुछ भी हो पति के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। गई, दौड़ पड़ी उसकी माँ, रसोई में प्रवेश होते ही रोक दिया, अरे तुम क्यों आ रही हो। तो उनका मां, मेरी भी इच्छा है, कुछ ना कुछ तो मेरी भी सेवा लगे ना, मेरे पति आए हैं, मेरी इच्छा है। ना ना, अब उसने भगवान की ऐसी लीला थी कि जो अपने लिए भोजन तैयार किया था सास ने, वो भोजन उठाई और दूसरे कमरे में रखने के लिए गई। इतने में अवसर मिला, जो थाल सजाई गई थी जहर से भरे हुए पदार्थों से रघुनाथ जी की, उसमें पिस्टी मिठाई थी जो दो पीस में चिपकी हुई थी। तुरंत देखा उसने, और जिसे छोंक लगाने में एक पत्र होता है, तेज पत्र, हा वो जो छोंक लगाने में होता है ना, उसको तत्काल उसने लिया और अपने काजल से लिखा, विष है, विष है, लिख करके उस पिस्टी में दबा के सबसे ऊपर रख दिया और भगवान से प्रार्थना की। और जानती थी कि प्रसाद पवाने में पहले पवाया था कि मीठा इनको बहुत पसंद है, अगर थाल में मीठा होता तो सबसे पहले मीठा पाते, उसको पता था। उसने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया, हे भगवान मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरे पति सबसे पहले इसी पिस्टी मिठाई को ले और वो उसे खोल कर देख ले, इतनी आप कृपा करना। सोने की थाल में, सुंदर सुंदर कटोरियों में खीर, सब्जी, पूड़ी, ये सब, और सबके ऊपर फिर मिठाई।
अब वो ये रहस्य माँ नहीं जान पाई कि उस मिठाई के बीच में उस तेज पत्र में लिखा है कि विष है, ऐसा लिख करके उसने रघुनाथ जी के सामने थाल पहुंची। रघुनाथ जी तो जय जगन्नाथ आंख मूंदा और कीर्तन करने लगे। उस भोजन को एक एक कवल ध्यान के द्वारा भगवान जगन्नाथ जी को पवा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर आंख खोली और जय जगन्नाथ, और जे भी वो पिष्टी उठाई सब पूरे परिवार के जन ताक रहे हैं कि अब तो बस पाएगा, थोड़ी देर में मर जाएगा। ऐसे पिष्टी खोली तो नजर बचा के ऐसे देखा कि विष है। खिड़की से पत्नी भी देख रही थी तो उन्होंने ऐसे देखा, पत्नी समझ गई कि देख लिया, बहुत प्रसन्न हुई, हट गई वहां से। अब वो विचार करने लगे कि ये तो हमने जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया। जो वस्तु जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया, जब प्रभु को भोग लगा दिया, अपने लोग हो तो कह दे कोई साक्षात थोड़ी लगाया, तो भावना में लगा है, हम नहीं पाएंगे, जहर है इसमें, लेकिन निष्ठा। उन्होंने कहा जब हमने जगन्नाथ जी को पवा दिया, मेरे प्रभु ने पा लिया, तो फिर क्या, मरना तो एक बार है ही ना, हम प्रभु को अर्पित किए हुए प्रसाद को नहीं छोड़ सकते। प्रभु को तो लगा दिया भोगो, आप कहे कि इसमें जहर है, फिर ऐसा नहीं। जय जगन्नाथ पाना प्रारंभ किया। जैसा पूर्ण पाया जाता है वैसे ही पाते पाते शरीर नीला होने लगा, क्योंकि जहर था ये, आंखों के सामने अंधकार छाया, मुरछाई गिर। अच्छा वो अन्नपूर्णा जी इसलिए प्रसन्न है कि पति ने पढ़ ली, आप काहे को खाएंगे, वो तो चली गई प्रसन्न होकर, भगवान ने मेरी बात सुन ली। और वो माता पिता भाई सब बिल्कुल खड़े हैं, पूरा प्रसाद जिसे पाया जाता, पाते ही आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, शरीर नीला पड़ने लगा, गिरे और प्राण निकल गए। जब उनको दुष्टों ने देखा कि मर गए, तो उन्होंने धीरे से दरवाजा लगा दिया और कि थोड़ा और रात्रि हो जाए फिर हम हल्ला मचा देंगे कि देखो दामाद को सांप ने काट खाया और ये मर गए, तो अन्नपूर्णा भी कोई शंका नहीं कर पाएगी, फिर हम इनको दफना देंगे। ऐसी भाव, बड़े प्रसन्न हुए वो सास ससुर और वो भाईजन की, बढ़िया हमारी जो खड्यंत्र था वो पूरा हुआ, हमारी बात पूरी हो गई, अभी मर जाएगा, अब राजमंत्री के साथ ब्याह होगा। अब वो विष का प्रभाव पड़ा, पूरा शरीर नीला हो गया। जब सबको प्रसन्न देखा तब उसके मन में आई, अन्नपूर्णा के मन में, उसने धाय से कहा कि तुम दौड़ के देखो क्या बात है, ये प्रसन्न क्यों है। धाय ने कहा ये खुसुर खुसुर आपस में बात कर रहे हैं, हमें लगता है कोई खड्यंत्र इनका काम कर गया। उसने विचार किया कि जब मेरे पति मेरे सामने पढ़ के देख लिए थे विष है, फिर वो खाएंगे क्यों, जब खाएंगे नहीं तो कोई ऐसा खड्यंत्र इनका चलेगा नहीं। धाय से कहा तुम दौड़ के कमरे में झांक के देख के आओ, तो एक दीपक जल रहा था, उसमें देखा पूरा शरीर नीला, फेन निकला हुआ, आंखें खुली, भाग के आई और कहा गजब हो गया, उनका शरीर नीला है और हमें लगता है उनके प्राण निकल गए हैं, अब तो विकल हो गई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने तो लिख दिया था इसमें विष है और पति ने पढ़ भी लिया था, ऐसा क्यों। वो भाग के गई और खिड़की से झांक करके देखा तो पति को निष्प्राण देखा, अब तो कांप गई और जगन्नाथ जी से कहा कि आपके होते हुए प्रभु ऐसा कैसे हो गया, हे दीन बंधु, हे पति पावन, ऐसा कैसे हो गया, प्रभु आप तो सर्व समर्थ हैं और हमने लिख के भी आपकी प्रेरणा से दिया और उन्होंने आपकी प्रेरणा से पढ़ा भी, फिर ऐसा कैसे हो गया। बहुत अंदर से बहुत वो दुखी है, विकल हो रही है। फिर अन्नपूर्णा एकांत में बैठ करके आर्त भाव से प्रभु से प्रार्थना करी, हे कर्तुम अकर्तुम मन्नथा कर्तुम सर्व समर्थ स्वामी, आपके लिए विष को अमृत कर देना, क्या कोई आश्चर्य की बात हो सकती है, मेरे प्रीतम को बचा लो, हे प्राण प्यारे मेरे प्रीतम को। अब वो बार बार एकांत कमरे में बैठती, बार बार आती, हिम्मत नहीं पड़ रही। हृदय में अंधकार छा रहा, क्या करूं, चारों ओर अपने आप को निर्बल देख करके वो आर्त भाव से प्रभु को पुकारा, हे जगन्नाथ कृपा करो, हे करुणा में कृपा करो। तो वर्णन आया है कि भेरी का शब्द चार कोस तक जाता है और वज्र का भीषण
जो गर्जना होती है वो 48 कोस जाती है, लेकिन भक्त की पुकार समस्त लोगों को भेद कर भगवान के हृदय तक पहुंचती है। आर्त भाव से जब इस देवी ने पुकार की तो अखिल विश्व के स्वामी श्री ठाकुर जी महाराज रुक नहीं सके। तत्काल देखा कि कमरा प्रकाशित हो गया, उसने खिड़की से झांक के देखा कमरा प्रकाशित हो गया और नील श्याम मेघ जैसी अंग कांति है, नौ किशोर अवस्था है और रघुनाथ दास जी के सर को अपनी गोद में रख के जैसे मां दुलार करती ऐसे प्रभु हाथ फेरे। प्रभु का स्पर्श होते ही रघुनाथ जी दास जी के शरीर में जैसे बिजली दौड़ पड़ी हो, कर तुम कर तु है। सखाओं ने भी तो काली देह का जल पी करके, विषैला जल था, सबके प्राण निकल गए थे सखाओं के और गौओं के, लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि पड़ते ही सब पुनः स्वस्थ हो गए। भगवत शक्ति में क्या नहीं हो सकता, भगवत कृपा से क्या नहीं हो सकता। अब वो बहुत आनंदित हुई, घनश्याम के श्याम अंग की कांति से संपूर्ण कमरा प्रकाशित हो रहा है। अब वो लोग तो प्रसन्न है, अलग कमरे में सब बैठे हुए कि बहुत बढ़िया बात बन गई, वो तो मरी गया है, अब उसको दफना देंगे और ब्याह हो जाएगा। लेकिन श्री ठाकुर जी की लीला, प्राणपति के मस्तक पर जगतपति का हाथ दे करके बहुत आनंदित हुई। ठाकुर जी ऐसे ऐसे हाथ फिरा रहे हैं, फिर मधुर स्वर में ठाकुर जी बोले कि मेरे लाल रघुनाथ उठ, कोई सृष्टि में ऐसा विष ही नहीं बना जो तुझे अचेत कर सके, उठ जा। ऐसा प्रभु बोल रहे, देख मैं आ गया हूं, उठ जा। ऐसा ठाकुर जी जे भी बोले तो वो जैसे कोई बहुत गहरी नींद से सो के उठा हो, उठे। अब जे भी उठे ठाकुर जी अंतर ध्यान, रघुनाथ जी को लगा कि बहुत थके हुए थे, आज बहुत गहरी नींद आ गई। अब वो पतिव्रता बहुत प्रसन्न हुई, बस हट गई वहां से कि कोई जान न पावे, एकांत में गई। अब वो बहुत आनंदित है कि मेरी बात श्री ठाकुर जगन्नाथ जी ने सुन ली और उसको ठाकुर जी का दर्शन हुआ, देखा ठाकुर जी आए। अब आप देखो उसका क्या भजन है, एक भगवत भक्त पति के प्रति पूर्ण आसक्त है। तो देखो अभी साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन रघुनाथ जी को नहीं हुआ, उनकी पत्नी को हो गया। देखा कि ठाकुर जी आए हैं, गोद में सर रखा रघुनाथ जी का, दुलार, और रघुनाथ जी जे भी जगह ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। रघुनाथ जी उठ करके बैठे और जैसे आंख मलते हुए कोई नींद से जगा हुआ और बोले आज तो बहुत सुख मिला नींद में। फिर विचार किया कि नहीं नहीं, मैंने तो जहर भरा भोजन पाया था और मुझे व्यथा भी हुई थी, मैं मूर्छा को भी प्राप्त हो गया था, बड़ी वेदना बड़ी जलन अंगों में हुई थी, तो ये मेरा मतलब कि मेरे प्राण निकल गए थे, मुझे शायद प्रभु ने जीवित किया है, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो मर चुका था, बस समझ गया जगन्नाथ जी, समझ गया तुम्हारी करुणा, आपने ही मुझे बचाया है। बहुत आनंदित हुए और बड़े प्यार से बार बार प्रभु का ध्यान कर रहे। अब तो और आनंद, क्योंकि प्रभु ने स्पर्श किया है ना। भक्त रघुनाथ जी व्यथाहारी हरि के प्रति पूर्ण आसक्त होकर के कभी जोर जोर से हंस देते हैं कमरे में, कभी चीख कर रो देते हैं और कभी प्रेम प्रलाप बातें कर रहे। अब तो उधर आवाज पहुंची, अब वो सो खड्यंत्रकारी सात भाई और उसकी मां और उसके पिता ने सोचा कि कमरे से हंसी की आवाज कैसी आ रही, वो तो मर गया था, भागे। जब भाग के आके देखा तो बावरे से कभी जगन्नाथ जी की ध्यान में हंस रहे, कभी रो रहे, कभी प्रेम। उनको लगा अरे, बोले नकली जहर था क्या, बोले नहीं नहीं जहर तो असली था, फिर ये बच कैसे गया। अब तो हृदय में उनके भय समा गया। अब गंगाधर उसकी स्त्री सातों लड़के भयानक चिंता में जलने लगे कि अरे ये तो मरा ही नहीं, क्या क्या उपाय नहीं किया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी के लिए, त्रिभुवन पति होने पर भी एक बाल भी नहीं बाका कर सका। इन दुष्टों ने देखो विचार करके जहर दे दिया, जब देखा कि जहर का तो कोई प्रभाव नहीं, अब वो तो कांप गए बाहर से झांके, अब तो उनका हृदय जलने लगा। अब क्या करें, पापियों के लिए हर क्षण काल की भयानक वृत्ति प्रदान करने वाली होती, अर्थात प्रतिपल वो भयभीत रहते हैं।
जो भक्त द्रोह करते हैं उनका हृदय जलता रहता है और कभी उनको कहीं भी सदगति नहीं मिलती भक्त द्रोह के। एक वैश्या है भक्त भावना की तो श्री ठाकुर रंगनाथ जी ने सर झुका दिया, और एक भक्त की पत्नी बोली भक्त द्रोह किया तो मारे मारे डोलना पड़ा। भक्त द्रोह एक ही अपराध ऐसा सृष्टि में है जिसमें भगवान क्षमा नहीं करते, नहीं तो चाहे अवगुण करे समुद्र सम, समुद्र के समान भी पाप बन जाए तो ठाकुर बड़े कृपाल जन अवगुण प्रभु मानन काऊ दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। लेकिन उनके दासों से कोई द्रोह कर ले ये नहीं, सो राम रोस पावक सो जरे, फिर प्रभु उस पर कृपा दृष्टि नहीं करते, फिर प्रभु उसको दुलार नहीं करते। शरणागत भयहरी का एक प्रण है कि उनकी शरण में कोई कैसा भी पापी आ जाए कोटि विप्र बदला गए जाहू आए शरण तजो नहीं ताहू। साक्षात दुर्वासा जी मांग रहे हैं हे शरणागत भयहारी मुझे बचा लो सुदर्शन चक्र से, ये आपका सुदर्शन चक्र मुझे जलाए दे रहा है। बोले नहीं मेरी सामर्थ्य नहीं, आम भक्त पराधीनों बचना है, अमरीश जी के चरण पकड़ो, मेरे चरणों से कुछ होने वाला नहीं। भगवान अपने शरणागत प्रण को भी भुला देते हैं, जाओ भक्त द्रोह करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है, भगवान भी ठुकरा देते हैं। अब वो पापियों के लिए एक एक क्षण महान कष्टदायक, हृदय जल रहा है, क्या करें। अब वो विचार करने लगे कि क्या करें कैसे, क्योंकि मैंने तो जहर भी दिया और ये मरा नहीं बच गया, और ब्याह की तारीख पक्की है, मंत्री के पुत्र के साथ ब्याह होना है, सब कांप रहे हैं, विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए। और इधर जय जगन्नाथ जय हरि जय जगन्नाथ जय हरि, ये तो नाम कीर्तन करते हैं, कभी नाचते हैं कभी हंसते हैं कभी गाते हैं, रघुनाथ जी तो आनंद में मगन हैं, और ये सब जल रहे हैं। इनका हृदय एक तो अपराध बन गया, दूसरी बात ऐसी कलुषता की भावना करने वाले को कहीं शांति मिल सकती है क्या। भक्त तो झूम रहा है और ये सब जल रहे हैं। अब उनके हृदय में आया कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है जो जहर खा करके भी जिंदा है, तो सबने इशारे से विचार किया इसी के पैर पकड़ो, फिर कोई बाद में चाल चली जाएगी, पहले तो पैर पकड़ो। सब गए चरणों में, सब प्रणाम किया और कहा कि मेरे से गलती हो गई मुझे क्षमा करो। श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा इसमें आपका कोई दोष नहीं, जगन्नाथ जी कृपालु हैं, मेरा कोई कर्म भोग था जिसको पवित्र करने के लिए आप लोगों के द्वारा भगवान ने ऐसी चेष्टा कराई। ये देखो हो सकता है मैंने पूर्व जन्म में किसी को जहर दिया हो तो आपके द्वारा प्रेरित होकर जगन्नाथ जी मेरे पाप कर्म को निवृत्त कराना चाहते इसलिए मुझे आप लोगों से जहर दिलाया, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये भक्त का हृदय, वो मेरा कर्म भोग था, आप निश्चिंत रहिए मेरे हृदय में आपके प्रति कोई भी दोष बुद्धि नहीं है, ये सब जगन्नाथ जी की लीला है, अब आप आनंदित रहिए, मैं आपके प्रति तनिक भी द्रोह भाव नहीं कर रहा हूं ऐसा। और आप लोग मुझे दरिद्र नीच के प्रति अगर ऐसा भाव रखते हो कि इसके पास तो कुछ है नहीं, लड़की दुख पाएगी दूसरे के साथ ब्याह कर दे तो यदि अन्नपूर्णा राजी हो तो आप ब्याह कर दो, अगर नाराजी हो तो फिर ऐसा अपराध मत करो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। अब मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा, यदि वो राजी है तो आप कर दो, अगर नहीं राजी है तो आप ही छोड़ दो, मैं जगन्नाथ जी ले जाऊंगा, उनको जगन्नाथ जी के पास ही रहेंगे, वहीं भिक्षा मांग करके पाएंगे, आप ऐसा ना करो। इसके बाद रघुनाथ दास जी जपने लगे भगवान नाम, उन लोगों से बोलना बंद कर दिया। वो सातों पुत्र सहित गंगाधर पीछे लौटे और विचार करने लगे कि क्या करें, अब क्या करें, रघुनाथ दास जी ने जो हमसे कहा तो क्या करें, अन्नपूर्णा तो राजी है नहीं कि दूसरे के साथ ब्याह करें। रघुनाथ दास जी ने उनके जो दिए हुए कपड़े थे उतारा, अपना फटा चादर ले आओ ऐसे ओढ़ा और जा करके दरवाजे के बाहर बैठ गए और कहा यदि अन्नपूर्णा राजी ना हो तो आप तुरंत उसे बाहर निकालो और हम उसको लेकर जगन्नाथपुरी जाएंगे, अगर वो राजी हो तो तुम ब्याह कर दो मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊं। वो बाहर जाकर के विराजमान हुए, गंगाधर बहुत कुछ विचार करने लगे, पुत्रों सहित अंदर गए, अब क्या किया जाए। अन्नपूर्णा अब तक तो शांत बैठी थी क्योंकि प्रभु उसके पति जीवित हो गए थे, अब उसने विचार किया कि मैं बाहर निकलकर अपने दुष्ट माता पिता से कह दूं कि अब तुम्हारे रोके नहीं रुकूंगी, लेकिन वो पहले ही उसके कमरे में ताला लगा दिया गया था, बाहर से ताला लगा दिया गया था। अब तो वो जब दरवाजा खोला तो बाहर से बंद, वो अंदर छटपटाने लगी,
गंगाधर ने अन्नपूर्णा का आकर जो वो खड़बड़ाने लगी तो सोचा कहीं कोई बाहर न सुन ले, तो दरवाजा खोला और अंदर जाकर उसे कहा, अन्नपूर्णा तू इस भिक्षुक राह के भिखारी जिसके पास एक पैसा भी नहीं तो उसको अब भी पति मानती है? हम लोगों के पास क्या नहीं हो, वो राजमंत्री है, सब सुख भोगेगी, काहे को भिखारी के साथ मरना चाहती है? उसके हृदय में मानो कोई सी ने छुरी मार दी हो। उसने कहा कि तुम लोग कितने अभागे हो जो अपनी पुत्री के धर्म का नाश करना चाहते हो। तुम पिता हो, तुम्हें संकोच नहीं आ रहा ऐसा बोलते हुए कि मेरा पति है और तुम दूसरे पुरुष के पास जाने के लिए कह रहे हो? अभी तक मैं क्षमा करती रही, ध्यान देना अगर मैं अपने स्वरूप में आ गई तो नष्ट कर दूंगी तुम्हें, क्योंकि सती में सामर्थ्य होती। द्रौपदी जी ने यही कहा था कि कोई सभा बता दे यदि मैं निर्दोष हूं, मेरे पति निर्दोष हैं, तो मैं अपनी दृष्टि से सभा को भस्म कर सकती हूं। मैं केवल इसीलिए शांत हूं कि कहीं मेरे पति मेरे को हार तो नहीं गए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पातिव्रत धर्म से अधर्म हो जाए, नहीं तो मेरे में इतनी सामर्थ्य किसी से सहयोग मांगने की जरूरत नहीं, मैं पूरी सभा को भस्म कर सक। कांप गई पूरी सभा का, धृतराष्ट्र तत्काल हाथ जोड़ के बोला, बेटी वरदान मांग, पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आज वो क्रोधित होकर के बोली कि अरे तू पिता है, पति होते हुए मुझे व्यभिचार के लिए आदेश कर रहा है दूसरे पुरुष के लिए, अगर मैं अपने स्वरूप में आ गई तो तुम सबको भस्म कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। तुम अभी जानते नहीं कि सती में क्या सामर्थ्य होती। निश्चित निश्चित एक पातिव्रत धर्म रखने वाली स्त्री किसी यति से कम नहीं है, उसमें उतनी ही सामर्थ्य होती है जितना एक यति में उतना एक सती में सामर्थ्य होता है। कांप गए पूरे परिवार के जन, कांप गए। अब वो हाथ कांपते हुए जोड़ रहे और कह रहे मुझे क्षमा करो। अब तो एक ही उपाय दिखाई दे रहा है, किसी तरह इसको घर से निकालो, अपने पति के पास जाए। नहीं ऐसा, इतना उसका विकराल रूप देखा, दैवी शक्ति से संपन्न उन लोगों को लगा कि मैं भस्म हो जाऊंगा, हम सब नष्ट हो जाएंगे। उसने हाथ जोड़ करके कहा, बेटी तू अपने पति के साथ जा। रघुनाथ का प्रभाव तो देख ही चुके थे, जहर का भी प्रभाव, अन्नपूर्णा का ये रूप देखकर साक्षात दैवी शक्ति से संपन्न, अब तो वो सब हाथ जोड़ के कहने लगे तुम जाओ अपने पति के साथ। गंगाधर ने कुछ प्रसन्नता प्रकट करने के लिए अन्नपूर्णा को कहा कि ये धन ले लो। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा एक कौड़ी धन नहीं चाहिए, और अपने पति के चरणों में प्रणाम किया और कहा चलो प्रभु, मुझे कोई सुख सुविधा, मुझे किसी भी तरह के संसारिक घर की जरूरत नहीं, जहां आप हो आपके चरण ही हमारे लिए सब घर हैं। अन्नपूर्णा पति के चरणों में प्रणाम करके उसके साथ चल दिया। शीघ्र चलिए, ऐसे पापियों के बीच में एक मिनट भी आने रुकना, ये दासी हर तरह से तैयार है, हर कष्ट सहेगी पर आपके चरणों के समीप रहेगी। अब गंगाधर अपने लड़कों के साथ वापस आ गए, वो जय जगन्नाथ बोल करके अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथपुरी की तरफ चलने लगे। अब इन पापियों को अब भी चैन नहीं पड़ा, विचार किया कि क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तो हमारी बात सब रद्द हो गई। अन्नपूर्णा की मैया ने कहा एक बात है, मंत्री के लड़के को सूचना दे दो कि मैंने तो दिया लड़की तुम्हें अपनी, तुम छीनना चाहो तो छीन लो, मार डालो उसको भिखारी को, और लड़की को ले जाओ। उसने तुरंत अपने पुत्रों को भेजा, पुत्र गए और मंत्री पुत्र से कहा कि ब्याह तो तुम्हारे साथ पक्का, हमने अपनी बहन दी, लेकिन वो एक भिखारी है, वो लिए जा रहा है तुम्हारी जो पत्नी बनने वाली थी, अगर तुम बचा सकते हो तो छीन लो और उसे मार दो। भगवान ये बैर विरोध करने वाले भी किस मिट्टी से बने हैं, इनके हृदय में फिर भी शांति, लेकिन बेटी राजी जाने दो। लेकिन फिर उन अब तो वो दुष्ट था ही, गलत प्रवृत्ति वाला था, राजमंत्री पुत्र था, उसने तत्काल सैकड़ों घुड़सवारों को आदेश किया अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो जाओ, और एक घोड़े पर वो स्वयं सवार हुआ और चला। अब घुड़सवारों की चाल और पैदल की चाल, नगर के बाहर ही देखा कि वो आगे जा रहे हैं पत्नी को लिए हुए रघुनाथ जी। घोड़ों की टाप सुनकर के अन्नपूर्णा पीछे मुड़ के देखा तो सैकड़ों घुड़सवार और वो राजकुमार, वो देखते ही डर गई और चिल्लाकर कहने लगी ये नीच बदमाश लोग आ रहे हैं, प्रभु कैसे रक्षा करोगे मेरी। अब वो चीख के राजकुमार बोला ए भिखारी, इस सुंदरी को छोड़ो, इस पर मेरा अधिकार है और मैं तुम्हें अभी नष्ट किए। रघुनाथ ने पीछे मुड़ के देखा कि तो नजदीक ही आ गए, वो भक्तों का तो एक ही आश्रय है प्रभु।
उसने अपनी पत्नी से कहा, रघुनाथ जी ने, कि अन्नपूर्णा तुम निर्भय रहो, हम जानते हैं जगदीश को, बहुत कृपाल हुए, बहुत सामर्थ। अरे बोले अब ये आ गए, देखो ये आ गए और ये आपको मारेंगे और हमें ले जाएंगे, अब कैसे बच पाएंगे। बोले फिर भी आप निर्भय रहो, हम जानते हैं प्रभु हमारे बहुत लीला विहारी है, बहुत सामर्थ्यशाली है, तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। उसने कहा कि मैं आपको छोड़कर इन दुष्ट के साथ नहीं जाना चाहती, ऐसे दुष्टों का एक क्षण भी हम संग नहीं करेंगे, प्रभु मुझे बचा लो। रघुनाथ जी जोर से हंसते हुए बोले, तुम डरती क्यों हो, हमारे स्वामी की सामर्थ्य को तुम जानती नहीं हो। अरे विपत्ति क्या है भक्तों के लिए, विपत्ति क्या है भक्तों के लिए, विपत्ति नहीं है, विपत्ति सच्ची वही है जो भक्त नहीं है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जाओ तो सुमिरन भज, हमारे लिए विपत्ति नहीं, तुम चिंता मत करो। अब वो तो घबरा करके से रघुनाथ जी का हाथ कस के पकड़े हुए है, और उधर सामने से दो घुड़सवार अत्यंत तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रफ्तार से बिजली की तरह चलने वाले घोड़ों में बैठे हुए हैं दो। वो नजदीक आए, इधर रघुनाथ की तरफ एक घुड़सवार, इधर एक घुड़सवार, कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम विपत्ति में फंसे हुए हो, हम दो के लिए पूरे त्रिभुवन के आ जाए घुड़सवार तो भी काफी है, हम दो इनके ऊपर भारी रहेंगे, तुम चिंता मत करना। अब पीछे से वो जो मंत्री का पुत्र सैकड़ों हजारों घुड़सवारों के साथ था, उसने देखा कि लाखों घुड़सवार उसके साथ है, दो ही है और ये साक्षात नर नारायण भगवान है और दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित है, सर्वशक्ति संपन्न। उसको दिखाई दिया कि लाखों घुड़सवारों ने आकर के सुरक्षा कवच बना लिया है रघुनाथ और रघुनाथ की पत्नी का, तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, भयभीत होकर ही भाग गया। पुरी तक साथ गए, पुरी के तक साथ गए भगवान नर नारायण घोड़े पर सवार। अब तो एक अद्भुत आनंद दोनों के हृदय में, इधर इधर दोनों तरफ सुरक्षा के स्वरूप में लिए हुए प्रभु चल रहे हैं अस्त्र शस्त्र, और बीच में रघुनाथ और उनकी पत्नी। जब जगन्नाथपुरी आई तब उन्होंने कहा तुम जाओ, क्योंकि हमें दूसरे कार्य करने हैं, और चिंता मत करना, जब कभी कोई आवश्यकता हो तो बुला लेना, आप जहां याद करोगे मैं आ जाऊंगा। तब तक वो समझ ही नहीं पाए थे कि थे कौन, जब चले गए तब समझ में आया कि ये तो भगवान नर नारायण थे, ये तो साक्षात भगवान करुणा करके आए। दोनों गए और जगन्नाथपुरी में सिंहपौर पर रहने लगे, अर्थात वही रात्रि में रहते जो भिक्षा मिलती पाते। किसी धनी मानी ने जब परिचय जाना कि सब कुछ छोड़ करके ऐसे आए हुए, तो जगन्नाथ जी के मंदिर के दक्षिण की तरफ एक भवन खरीद दिया, दोनों पति पत्नी वहां रहने लगे और भगवान नाम कीर्तन करते हुए जीवन व्यतीत किया, शरीर पूरा हुआ और भगवत धाम को प्राप्त हुए। जरूरी नहीं कि कोई क्रिया प्रधान हो तभी आप भक्त कहे जाएंगे, केवल प्रभु से अपनापन, केवल संबंध, और प्रभु के संबंध से भी श्रेष्ठ है प्रभु के जनों का संबंध। अगर प्रभु के जनों का संबंध हो जाए तो सीधे प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। इसीलिए भावे माई जगत भगत भजनी, सर्वांतःकरण से प्रभु को अपना मान लो, चाहे आप किसी भी कुल के हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, निर्धन हो, धनवान हो, क्रियावान हो, निष्क्रिय, कैसे भी आप हो, यदि प्रभु को अपना मानोगे तो सच्चिदानंद प्रभु का निश्चित दुलार प्राप्त होगा। प्रभु बहुत कृपा सिंधु है, वो मिलने के लिए तैयार है, आप मिलने के लिए राजी हो जाइए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।